चुके हैं थायरो केयर के मैनेजमेंट, हमारे साथ जुड़ रहे राहुल गुहा जी। राहुल गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम आपको आज चैनल पे खास तौर पे इन्वेस्टर वर्ल्ड के फीडबैक के दौर के तौर पे लेके आए हैं। पिछले 10 दिन में कम से कम 3-4 ऐसे फंड मैनेजर्स हमारे साथ चैनल पे आए बातचीत करने के लिए कि वो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज डायग्नोस्टिक प्लेयर्स को वो खरीद रहे हैं अपने फंड में। तो हमने पूछा भाई कि मामला क्या है। एक तो कोविड में एक बहुत पीक आया था बिजनेस वॉल्यूम का, फिर नॉर्मलाइज हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि आगे आने वाले सालों में ऑर्गेनाइज डायग्नोस्टिक एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा, जितना बड़ा आज ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स हो गया है। तो अगर हम 2-4 क्वार्टर के व्यू की बियॉन्ड देखें, तो आप हमें बताएं आपकी क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी चल रही है छोटे शहरों में, कैसे वॉल्यूम ग्रोथ अभी आप देख रहे हैं? तो थैंक यू वेरी मच। और ये मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, अभी अगर आप अभी देखोगे तो देश में 1,30,000 डायग्नोस्टिक लैब है, जिसमें करीबन मतलब 10 से 15 हजार ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज्ड लैब की स्कोप बहुत ही ज्यादा है इंडिया में, और वो ग्रोथ जो कोविड से आया था वो तो निकल गया, बट आगे की बात सोचोगे तो अभी भी आप देखो 9 महीने में थायरोकेयर 23% ग्रोथ पे है नॉन कोविड का, और आगे भी हमको काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। थायरोकेयर जैसे आपको शायद पता ही होगा, 77% ऑफ हमारा बिजनेस जो है टीयर 2 और टीयर 3 मार्केट्स में से है, और वहां से हमको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। वहां कंपटीशन भी कम है, कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज मार्केट में है वो सिर्फ मेट्रो में है और टीयर 1 मार्केट्स में है। टीयर 2 टीयर 3 में आप जाओगे तो शायद आपको थायरोकेयर ही दिखेगा, और वो हमारे लिए काफी मतलब अच्छी ग्रोथ दे रही है अभी। राहुल एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, रिसेंटली ना हम डॉक्टर लाल पैथ लैब से भी ये बातचीत हुई हमारी, तो हमने उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा था जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने उनसे ये पूछा कि जो छोटे और शहर हैं वहाँ पे और भी तो खुले हैं, नई लैब्स बहुत खुली हैं, इससे कहीं मार्जिन पे प्रेशर तो नहीं आया? अजय भी आपको बात बता रहे थे कि हाइजीन का मामला होता है, लोग थोड़ा स्टैंडर्ड पे जाते हैं और उनको डाटा पे भी ट्रस्ट नहीं होता कि वो रिपोर्ट्स अच्छी हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा तबका है जो उन उन लोगों तक भी जा रहा है जो अनऑर्गेनाइज हैं प्लेयर टिपिकली। कितना बिजनेस आप उनसे ले आएंगे और कैसे चैलेंज करेंगे आप उनको? तो पहले तो हमारे थायरोकेयर की दाम जो है टीयर 2 मार्केट्स टीयर 3 मार्केट्स में सबसे कॉम्पिटिटिव है, और हमारे अभी 26 लैब में से 20 लैब NABL अक्रेडिटेड है, तो आपको क्वालिटी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए थायरोकेयर की रिपोर्ट से। हमारे पास QR कोड वैलिडेशन है, सब कुछ है। तो अगर पास वाले लैब में चले जाओगे और थायरोकेयर की रिपोर्ट, अगर उसी शहर में आपको थायरोकेयर की फ्रेंचाइजी मिलेगी तो शायद आपको बहुत ही भरोसा होगा थायरोकेयर के रिपोर्ट के ऊपर। आप QR कोड स्कैन करके वैलिडेट भी कर सकते हो कि आपका रिपोर्ट एक्चुअली कहाँ जांच हुई, किस वक्त जांच हुई और क्या रिपोर्ट आया है। तो वो छोटी लैब जैसे मतलब आप छोटे शहर में जाओगे तो शायद वो सब सर्विस नहीं दे पाएंगे, और हमारा दाम भी मतलब उनके बराबर कॉम्पिटिटिव है क्योंकि हम नेशनल वॉल्यूम पे रिएजेंट मशीन सब कुछ खरीदते हैं और हमारा पूरा लैब्स जो है उसका फायदा ले लेते हैं। तो अगर आप छोटे शहर मीरठ में भी जाओगे तो आपको शायद अगर आप छोटे लैब के रिपोर्ट उठाओगे और थायरोकेयर का प्राइस उठाओगे तो दोनों का ऑलमोस्ट बराबर है। तो जो हमारे IT इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ जो कंज्यूमर के पास जाते हैं वो तो ऑलमोस्ट डोमेस्टिक लैब या छोटे शहर के जो लोकल लैब है उनसे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट प्राइस मिलेंगे आपको। बिजनेस आउटलुक पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त कोविड केसेस भी काफ़ी सर्च पर हैं, हालांकि माइल्ड केसेस की बात भी हमने जब मेडिकल फ्रटर्निटी के एक्सपर्ट से बात की तो वो ये कह रहे हैं कि माइल्ड केसेस है, बट आपसे समझना चाहते हैं ऑन ग्राउंड किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है, क्या आपके पास केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर एज ब्रैकेट के ज़्यादा आ रहे हैं? अभी अगर आप पिछले 2 हफ्ते के बराबर देखोगे तो हमारा कोविड वॉल्यूम डबल हो गया, बट बहुत ही छोटा बेस पे है, तो एक्चुअली इतना हमारे रेवेन्यू में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। बट हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पिछले 2 हफ्ते में तो हमारा कोविड टेस्टिंग डबल हुआ है। लार्जली अगेन हमारे जो प्रेजेंस है टीयर 2 टीयर 3 से शहर में है तो वहां से थोड़ा बहुत अपलिफ्ट आ रहा है, बट आई थिंक हालांकि मोस्टली लोग अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट से करा रहे हैं, RT-PCR इतना डिमांड नहीं है।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गुहा साहब आज हमसे बात करने के लिए।